राज्यपाल के द्वारा कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए मौका नहीं देने के विरोध में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया गया था और ज्ञापन SDM हनुमानगढ़ को सौंपा गया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कोरोना की हिदायतों की पालना नहीं करने के विरोध में नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में धारा 144 की उल्लंघना तथा महामारी अधिनियम की अनदेखी की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद पेश किया गया है। BJP नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना की हिदायतों का उल्लंघन किया गया है और भीड़ के रूप में धरना दिया गया है। BJP नेताओं का यह भी आरोप है कि 5 अप्रैल 2020 को गंगानगर में 4 BJP के नेता अपना ज्ञापन देने प्रशासन के पास गए थे तो उस समय BJP नेताओं पर कोरोना की हिदायतों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, पर अब प्रशासन को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ क्या दिखाई नहीं देती है, अब प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी है, यह भी BJP नेताओं ने आरोप लगाया है। BJP नेताओं के द्वारा दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण प्रशासन भी सरकार के दबाव में है, इसलिए धारा 144 की पालना करवाने में फेल साबित हो रहा है प्रशासन एवं कोरोना के रोगी बढ़ते जा रहे हैं पर प्रशासन हिदायतों की पालना करवाने में ऐसे जलसे तथा धरनों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है। जो भी हो, कोरोना की हिदायतों का प्रत्येक पार्टी को पालन करना ही चाहिए, तभी हम कोरोना की चैन को तोड़ सकेंगे। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।